आपका स्वागत है। अशोक स्तंभ के पास एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रोला अल सुबह पलट गया, लेकिन किसी के हताहत नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार 22 चक्का ट्रोला अल सुबह छापर रोड की तरफ मुड़ते वक्त पलट गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। और ट्रोला पलट जाने से सड़क पर कंक्रीट बिखर गई। इसके बाद में जेसीबी की सहायता से ट्रोले को सीधा किया गया और दूसरे वाहन को मंगवा कर कंक्रीट को उठाया गया। वहीं मौके पर लोगों की भी भीड़ एकत्रित हो गई। दूसरी ओर शाम को बालेरा गांव के पास पिकअप पलट जाने से 8 लोगों के घायल हो जाने की जानकारी मिली है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। राजकीय बगड़िया अस्पताल में घायलों का उपचार किया गया है। वहीं छापर रोड पर स्थित रेल फाटक के पास एक ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाली कंपनी के ऑफिस में चोरी हो जाने के बाद चोर सीसीटीवी की DVR भी उठा ले गए। जानकारी अनुसार वन वर्ल्ड लॉजिस्टिक कंपनी की ऑफिस यहां पर स्थित है, जिसके कर्मचारी फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के सामान को कोरियर के रूप में ग्राहकों को डिलीवर करते हैं। ब्रांच हेड चर्चिल तुनगरिया ने बताया कि रविवार की शाम को हम लोग ऑफिस बंद करके गए थे। सोमवार को सुबह करीब 8 बजे विकास प्रजापत का फोन आया, तो जिस पर मैंने मौके पर जाकर देखा तो दुकान के ताले वगैरह टूटे हुए पड़े थे। पुलिस को मौके बुलाया गया। करीब 2 दिनों का जो नगद बैंक की छुट्टी के कारण ऑफिस में पड़ा हुआ था, करीब 3.5 से 4 लाख रुपए चोर चोरी करके ले गए। वहीं चर्चिल तुनगरिया ने बताया कि करीब 20 से 25 मोबाइल चोरी हो गए हैं। चोर सीसीटीवी के बारे में जागरूक थे और जाते जाते सीसीटीवी का DVR सेट भी उठाकर ले गए, ताकि किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग भी हाथ नहीं लग सके। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। सम्राट होटल के पास है, छापर रोड लगती है, उस पर वन वर्ल्ड लॉजिस्टिक के नाम से अपनी ऑफिस है, और इसमें ईकार्ट का मतलब फ्लिपकार्ट का सामान आता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी कहते हैं, यहाँ पे डिलीवरी का काम होता है। तो मैं कल शाम को यहाँ से 7 से 8 के बीच में चला गया था ऑफिस डाउन करके, तो उसके बाद मेरे पास सुबह फ़ोन आया, जो हमारे CMS का केस ले जाते थे, विकास नाम उनका, विकास प्रजापत, तो उन्होंने सुबह मेरे को कॉल किया कि तुम्हारी ऑफिस खुली पड़ी है, इसके ताले टूटे हुए। तो फिर मैंने अपने ऑफिस में है लड़का है तो उससे फ़ोन किया, मैंने कहा तू वहाँ पे पहुँच और क्या है क्या नहीं है मेरे को बता। फिर वो यहाँ पे आके बोला कि हाँ सर ऑफिस खुली पड़ी है, और मैं अंदर गया नहीं, मैंने उसको मना कर दिया कि ऑफिस के अंदर एंटर नहीं होना। तो फिर मैंने आके देखा, तो मैंने अपने जितेंद्र जी मीणा थाने में उनको फ़ोन किया, और फिर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने मुआयना किया है मौके का, वारदात का, तो अपने मतलब केस भी वो ले गए हैं और कुछ सामान है पार्सल वगैरह वो ले गए हैं। तो मैं ये पुलिस प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ये जो भी है हमें बरामद करवाएं और चोरों को जल्द से जल्द पकड़े। केस कितना गया है और चोरी में क्या माल? केस अपने 2 दिन का केस था, सैटरडे संडे का, तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए का केस था उसमें, वो ले गए, और मेरे ऑफिस से मोबाइल वगैरह सामान था वो ले गए। हाँ सर, CCTV फुटेज में वो DVR ले गए, हार्ड डिस्क ले गए पूरी, जिसमें मतलब कुछ भी कोई फुटेज वगैरह बरामद नहीं हो पा रही है।